रामनगर के कोसी बैराग क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व एक नए पार्क का शुभारंभ इस मकसद के साथ किया गया था कि इस पार्क में बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक कर सकें, छोटे बच्चे इस पार्क में आनंद ले सकें। विभाग द्वारा इस पार्क में काफी आधुनिक बनाने के साथ यहां लाइट भी लगाई, लेकिन वर्तमान में इस पार्क में हो रही अश्लील हरकतें एवं नशेड़ियों के आतंक से यहां आने वाले बुजुर्ग लोगों के साथ ही महिलाएं बच्चे भी अराजक तत्वों की हरकत को देखकर शर्मसार हो, यदि कोई इन्हें टोकता है तो अराजक तत्व बुजुर्ग लोग को मारने पीटने की भी कसर तक नहीं छोड़ते। वहीं इस पार्क में गंदगी की ढेर भी देखने को मिले। लाइव तस्वीरें प्राइम बिग न्यूज आपको दिखा रहा है कि लगातार इस पार्क में इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर अब कई लोगों ने यहां आना भी बंद कर दिया। वहीं बता दें कि कई बुजुर्ग ने इस पार्क में उनके साथ हुई घटना को बताते हुए पुलिस और प्रशासन से अवगत भी करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वही मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता AK गुप्ता ने बताया है कि अराजक तत्वों द्वारा पार्क में गंदगी करने के साथ यहां लगी लाइटों को भी तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभाग द्वारा कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों की गश्त शुरू कराए जाने की मांग की गई। प्राइम बिग न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद ढोंडियाल। ढोडियाल जी, कोसी बैराज पर एक पार्क बनाया, बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एक पार्क बनाया था, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया था, लेकिन लगातार यहाँ अराजकता अश्लीलता बढ़ रही है, तो किस प्रकार की आप लोग यहाँ जो है परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, हमें तो यहाँ पे बैठने में बड़ी परेशानी होती है, हम कुछ देर के लिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा मन की शांति के लिए, लेकिन यहाँ पे आकर के जो हम देख रहे हैं रात दिन यहाँ पर माहौल जो चलता है दिन में, दोपहर में ये करीब 11 बजे से और दो तीन बजे तक यहाँ पे जो है ये अराजकता यहाँ पे देखते हैं हम, जो मतलब ये असभ्य लोग ये मतलब यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें करते हैं, अश्लीलता मतलब यहाँ पे देखते हैं हम जो है, तो बहुत बड़ा दुख होता है, बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है हम लोगों को। और पार्क की हालत, अभी इस पार्क को बने हुए मुश्किल से 4-5 महीने हो रहे हैं, और इन 4-5 महीनों में इस पार्क की स्थिति इतनी गई गुजरी हो चुकी है कि यहाँ पे शायद जो भी आएगा वो दोबारा आने का उसका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। हाँ, तो आपके साथ भी घटनाएं हुई? हाँ, मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ तो एक दिन एक ने बहुत मारपीट की है, मैंने उसको यही कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्यों, ये एक सामाजिक मतलब स्थल है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, माताएं बहनें बच्चे आते हैं, और आप इस तरीके की हरकतें यहाँ खुलेआम किए जा रहे हैं भाई, आपको ये उल्टी सीधी हरकतें बाहर जाके करिए, आप जहाँ करना है हरकत करते हैं वही मतलब अश्लील हरकतें करते हैं, छेड़खानी करते हैं एक दूसरे को, करना जैसे मतलब जो हम जो दृश्य देखने लायक नहीं होता है, अब हम और क्या कहें। नशेड़ी भी आते हैं, भांग पीते हैं यहाँ, वो सुट्टे लगाते रहते हैं, वो यही है इनका धंधा, और रोज़ आते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नहीं आते हैं।